बताइए, उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान एक शख्स के पास गया कि तुम कैसे अंदर आ गए। मैं जो तस्वीरें देख पा रहा हूँ, तस्वीरों को देखकर मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, तुम कैसे अंदर आ गए और उसके बाद उसे बाहर निकलने का। देखिए कुछ लोगों को गेट की तरफ देखिए, दो लोगों को पकड़ा गया, उसको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है कि बाहर निकलिए, आपको परमिशन नहीं था, क्यों अंदर घुसे। देखिए बाहर निकाल दिया गया दो और लोगों, एक और शख्स को बाहर निकाला गया, जिनके पास परमिशन है सपना, केवल वही अंदर जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता है अंदर कब्रिस्तान के अंदर। टॉप एंगल शॉट सिर्फ न्यूज 18 इंडिया लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है और मुख्तार अंसारी से जुड़े एक एक अपडेट न्यूज 18 इंडिया पर लगातार हम दिखाते रहेंगे। देखिए कब्रिस्तान के बाहर की तस्वीरें, कब्रिस्तान के अंदर की तस्वीरें, हर एंगल से हम शॉट दिखाएंगे। जिस रास्ते से मुख्तार अंसारी यहाँ पर उनका बॉडी यहाँ पर पहुंचेगा, वो तमाम तस्वीरें हम दिखाएंगे। कब्रिस्तान के अंदर पुलिस अलर्ट पे है, कब्रिस्तान के बाहर पुलिस अलर्ट पे है। जरा वो क्लोज तस्वीरें, ज्ञानेंद्र फिर से कुछ अनाउंस कर रहे हैं, क्लोज तस्वीर, आगे मत जाइए छत पे, क्लोज तस्वीर, ज्ञानेंद्र के पास जाइए। देखिए ज्ञानेंद्र अनाउंसमेंट कर रहे हैं, वो तस्वीर दिखाइए अपने दर्शकों को। देखिए ज्ञानेंद्र जो कि एसपी सिटी है, खुद इन्होंने मोर्चा यहाँ पर संभाला है, एसपी सिटी गाजीपुर है, और यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हुए ज्ञानेंद्र आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई है। खुद यहाँ पर मीडिया को भी हिदायत दी गई है गाजीपुर पुलिस की तरफ से कि आप जहां तहां लोगों को खड़ा करके बाइट मत लीजिए, यहाँ पर मीडिया पर्सन को कहा गया है। देखिए फिर ज्ञानेंद्र जो है फोन पे बातचीत करते हैं, जाहिर तौर पे जो भी यहाँ पर अपडेट होगा वायरलेस सेट पे या फोन के जरिए वो अपने बॉसेस को ये पूरी जानकारी देंगे। और यहाँ पर देखिए इस वक्त भीड़ इकट्ठा हो गई है, इस भीड़ को तितिर बितिर करने की कोशिश की जा रही है और पल पल की अपडेट। आप टॉप एंगल से एक छत से तस्वीर दिखा रहे हैं, आनंद नीचे वहीं पर मौजूद है, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। आनंद अभी अमित तस्वीरें दिखा रहे थे कि अंबिका चौधरी के साथ में कुछ और लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की लेकिन सभी को रोक दिया गया, सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम। अगर आप वहां नजदीक जाकर तस्वीरें दिखा पाए, क्योंकि वो ऊपर से तस्वीरें दिखा रहे थे, और समझा पाए। देखिए बिल्कुल, मेरे कैमरामैन सुनील आपको तस्वीर देंगे। देखिए यहाँ पर पीएसए के जवान जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है यहाँ पर दलबल के साथ, और यहाँ पर कुछ भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है जिसे यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। सामने देख सकते हैं सपना आप, ये कब्रिस्तान का मेन गेट है, एंट्री गेट है, जहाँ पर की जिन लोगों को परमिशन दी गई है पहले से ही, जिनके नाम पुलिस के पास है, उन लोगों को यहाँ से अंदर आने की एंट्री दी जाएगी। और देखिए ये तस्वीरें दिखाता हूँ मैं, ये जो रोड है ये गाजीपुर के शहर के लिए जाने वाला रोड है, यहाँ से भी लोग जो पैदल है वो धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ पहुंच रहे हैं। और मेरे दूसरी तरफ देखिए सपना, मैं आपको दिखा, कुछ अनाउंसमेंट हो रही है आपके पास, आ रहे हैं आनंद आपके पास में। अमित फिर से कुछ विजुअल्स दिखा रहे हैं, क्योंकि वो एक छत पर मौजूद है, उनके पास टॉप एंगल से अच्छे विजुअल्स आ रहे हैं। अमित दिखाइए सपना, पुलिस ने कड़ाई के साथ यहाँ से अब लोगों को हटाना शुरू कर दिया है कड़ाई के साथ। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र की तस्वीरें दिखाई है, ज्ञानेंद्र ने कड़े लफ्जों में बताया कि हटिए आप लोग यहाँ से, यहाँ पर आप नहीं हो रह सकते, किसी को अलाउ नहीं है। अब देखिए कड़ाई से प्यार से मोहब्बत से लोगों को यहाँ से हटाते हुए ज्ञानेंद्र लगातार माइक अपने हाथ में लिए हुए हैं, वो अनाउंसमेंट करते हुए। लेकिन ये वो जनता है, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा दें, क्योंकि कुछ ही लोगों को परमिशन मिली है, सभी कब्रिस्तान के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन इन सबके बीच में अंबिका चौधरी जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनको जब वो अंदर जाने लगे तो उनके साथ में कुछ और सहयोगी, देखिए जो उनके गए अंदर, उनको सबको बाहर निकाल दिया गया। कब्रिस्तान के अंदर की तस्वीरें अमित आपको अभी दिखा रहे थे, ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद है, और ये तस्वीरें उनकी ओर से दिखाई गई, उनके कैमरे की ओर से दिखाई गई, किस तरीके से अंबिका चौधरी जो कि पूर्व मंत्री भी रहे, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो इस जनाजे में शिरकत करने के लिए आते हैं, तो उनके साथ में कुछ और लोग भी अंदर घुसते हैं, और क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था न बिगड़े आखिर तक भी प्रशासन पूरी कोशिशें कर रहा है, और ये हिदायत खुद सीएमओ की ओर से दी गई है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई है कि हर एक अधिकारी ये सुनिश्चित करे कि कहीं भी व्यवस्था न बिगड़े। और इसीलिए आप देखिए कि कैसे गेट पर पुलिस वाले तैनात हैं और वो सभी को आधार कार्ड चेक करते हुए ही अंदर जाने दे रहे हैं। अगर आपका नाम उस सूची में नहीं है, आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, कुछ ही लोग अंदर जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी लगातार बने हुए हैं, अमित का फिर से रुक कर लेते हैं। अमित जल्दी से तस्वीरें दिखा दीजिए, फिर मैं आनंद का रुख करती हूँ, आप ही की तस्वीर हम दिखा रहे थे अभी, जल्दी से फिर आनंद का रुख करना है। सपना अब जो पुलिस कब्रिस्तान के पास खड़ी थी उसने हेलमेट पहन लिया, भीड़ को देखते हुए हेलमेट पहन लिया। तस्वीरें दिखाइए, सबसे पहले हेलमेट की तस्वीरें दिखाइए, पुलिस के जवानों की हेलमेट की तस्वीरें दिखाइए, हेलमेट पहनकर पूरी तरीके से अलर्ट हो गए हैं। और देखिए दूसरी तरफ ज्ञानेंद्र भीड़ को समझाते हुए, वो तस्वीर दिखाइए भीड़ को समझाते हुए कि आप लोग चले जाइए, सुपुर्दिघाक होने के बाद यहाँ पर आइएगा और जो आपको प्रोसेस करना होगा उस प्रोसेस को करिए। आनंद, आप ऊपर से तस्वीरें दिखा रहे हैं और वो नीचे ही मौजूद है,
ज्ञानेंद्र के आसपास ही मौजूद हैं और वो वहां से तस्वीरें ज्यादा बेहतर दिखा पाएंगे। आनंद जरा तस्वीरें दिखाइए। अमित हमें लगातार ऊपर से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अब पुलिस ज्यादा सक्रिय हो गई है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब पास में जनाजा पहुंचने वाला होगा, कभी भी दफन किया जा सकता है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जो एक एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी वो लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं लाउड स्पीकर के साथ कि यहाँ पर भीड़ न लगाएं। और देखिए ये तस्वीरें, पुलिस के जवान जो हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर दल बल के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है कि कानून व्यवस्था को अगर कोई हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और लगातार पहले ही पुलिस ने कह दिया था कि ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना करें, और उनके मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से भी अपील की गई थी, उनके भतीजे की तरफ से, कि ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना करें। पहले ही जो उनका घर है वहां पर अच्छी रात भर से ही लोग जो है वो इकट्ठा हो रहे थे। और देखिए लेकिन अभी लोगों का जो हुजूम है, लोगों का जो आना है वो लगातार जारी है उनके घर के लिए। नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और गेट पर देख सकते हैं पूरी मुस्तैदी से जो पुलिस के अधिकारी हैं गाजीपुर पुलिस के, वो यहाँ पर तैनात हैं। हालांकि कुछ लोग अभी जबरदस्ती अंदर घुस गए थे, लेकिन उसके बाद अब केवल अंदर जो केयर टेकर है वो लोग मौजूद हैं। और देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है वो भी एडिशनल एसपी हैं अपने महताज जो पुलिस अधिकारी उन्हें यहाँ पर दे रहे हैं कि जिस वक्त जनाजा यहाँ पर मुख्तार अंसारी का है उस वक्त कानून व्यवस्था खराब ना हो, और यहाँ पर जो है सुपुर्द खाक की जो आखिरी कार्रवाई होती है वो यहाँ पर सपना पूरी तरह से एक तरीके से शांति प्रिय तरीके से पूरी हो पाए। अमित का फिर से रुक कर लेते हैं, आप नीचे बने हुए हैं और वहां की तस्वीरें ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। अमित का फिर से रुक करते हैं, हमें कुछ और तस्वीरें आप दिखाइए और थोड़ा पैन और करिए। हाँ दिखाइए दिखाइए, आप ही का रुक कर रहे हैं, दिखाइए तस्वीरें। बिल्कुल सपना, अब तस्वीरें यहाँ बदल गई है। पुलिस के हाथ में डंडा है, पुलिस के हाथ में वो प्रोटेक्शन है, शील्ड है, यानी किसी कोई पथराव वगैरह करता है तो पुलिस अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। किस तरीके से यहाँ पर पुलिस के जवान जो है, ये क्लोज शॉट युगल, ये क्लोज शॉट दिखाइए, ये क्लोज शॉट दिखाइए, हाथों में डंडा, पुलिस ने प्रोटेक्शन ले लिया है क्योंकि भीड़ जिस तरीके से आगे बढ़ रही थी, भीड़ को कंट्रोल करने के रस्सी लगाया जा रहा है। रस्सी की तस्वीरें दिखाइए, रस्सी यहाँ पर लगाया जा रहा है क्योंकि मैच कुछ ही समय बचा है, अब कुछ ही समय। ये डेवलपमेंट की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, कब्रिस्तान के बाहर की जो डेवलपमेंट है उनकी तस्वीरें में दिखा रहा हूं। और यहां पर देखिए अब यहां पर खुद जो सीओ रैंक के अधिकारी हैं उन्होंने अपने हाथों में रस्सी ले लिया है, रस्सी से यहां पर घेराबंदी की जाएगी, रस्सी से घेराबंदी की जाएगी। तो इस तरीके से जो भी अपडेट मुख्तार अंसारी के गांव पैतृक गांव से होगी वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। और यहां पर तस्वीरें हम लगातार दिखा भी रहे अपने दर्शकों को, नीचे से और ऊपर से टॉप एंगल के शॉट भी हम लगातार देखिए, यहां पर रस्सी लगाई जा रही है। और देखिए अब जो टोन है एसपी, तस्वीरें सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर, देखिए भीड़ हटाने की बात यहाँ पर ज्ञानेंद्र खुद अनाउंसमेंट करके बोले कि यहाँ पर भीड़ किसी भी तरीके से नहीं लगना चाहिए, कब्रिस्तान के सामने आप लोग निकलिए यहाँ से। और जहां जहां भीड़ लग रही है, हमने आपको पहले भी बताया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जो है चप्पे चप्पे पर तैनात है, ये सभी जवान लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना चाहते हैं कि जल्द से जल्द शांति व्यवस्था यहाँ पर बनी रहे और मुख्तार अंसारी जो है वो सुपुर्द खाक में वो हो जाए, सुपुर्द खाक हो जाए। देखिए एक बार क्लोज शॉट दिखाइए एसपी गाजीपुर के, क्लोज शॉट दिखाइए एसपी गाजीपुर का, किस तरीके से अनाउंसमेंट, गेट खुल चुका है, कब्रिस्तान का गेट खुल चुका है। और देखिए किस तरीके से कुछ लोगों को परमिशन दिया गया था लेकिन बहुत लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, सपना गेट खुला, गेट जबरदस्ती बंद किया गया। अब पुलिस के जवान वो लोग जो जबरदस्ती कब्रिस्तान में घुसना चाहे उन्हें किस तरीके से यहां से निकाला जा रहा है, देखिए यहां पर तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सपना न्यूज 18 इंडिया पे, पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, हर किसी को कह रही है कि यहां से जाइए, महज 15 से 20 मिनट का वक्त बचा है, जब देखिए एक शख्स जबरदस्ती घुसा था जिसको परमिशन नहीं था उसे भी गेट खोल के बाहर कर दिया गया। तो इस तरीके की व्यवस्था है, आप अगर जबरदस्ती कब्रिस्तान में घुस जाएंगे आपको परमिशन नहीं है फिर आपको बाहर किया जाएगा, उन लोगों को बाहर किया जा रहा है जिनको परमिशन नहीं था। देखिए अंदर कब्रिस्तान के अंदर की तस्वीरें सपना, कब्रिस्तान के अंदर की तस्वीरें किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान देखता हुआ कि जिनको परमिशन है हिदायत देता हुआ वही सिर्फ अंदर रहेंगे बाहर नहीं। और देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान की तस्वीर दिखाइए कब्रिस्तान के अंदर के डेवलपमेंट को दिखाइए, एक-एक डेवलपमेंट को दिखाइए। उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान एक शख्स के पास गया कि तुम कैसे अंदर आ गए, मैं जो तस्वीरें देख पा रहा हूं तस्वीरों को देखकर मैं कमेंट्री कर रहा हूं तुम कैसे अंदर आ गए, और उसके बाद उसे बाहर निकलने के लिए देखिए कुछ लोगों को गेट की तरफ देखिए दो लोगों को पकड़ा गया, उसको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है कि बाहर निकलिए आपको परमिशन नहीं था क्यों अंदर घुसे। हमारे सहयोगी अमित लगातार बने हुए हैं, अमित अभी हम आप ही की रिपोर्ट दिखा रहे थे, लगातार तस्वीरें भी दिखाते रहिए, जानकारी भी दीजिए और ये बताइए कि क्या जनाजा कितनी देर में यहाँ तक पहुंच जाएगा।
देखिए बिल्कुल सपना, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। अब मैं आपको रस्सी की तस्वीरें दिखा रहा था, रस्सी से बैरिकेडिंग कर दी गई है, रस्सी से बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो भीड़ थी, जो भीड़ यहां से हटने का नाम नहीं ले रही थी, उन्हें रस्सी से बांधकर उनको उस रस्सी के अंदर घेरे में रख दिया गया है। पुलिस की यहां तस्वीर बदल गई, पुलिस के हाथों में शील्ड है, हाथों में डंडा है, हथियार तो है ही है। तो यहां पर देखिए तस्वीरें लगातार पल पल यहां पर अपडेट हो रहे हैं, तस्वीरें बदल रही है, पुलिस और सख्ती से यहां पर पेश आ रही है। और लगातार एक तस्वीर और यहां पर दिखाइए किस तरीके से लगातार जो है मऊ की तरफ से गाजीपुर की तरफ से जो आने वाली सड़क है, उस सड़क से लगातार भीड़ यहां पर पहुंच रही है, भीड़ आ रही है। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र लगातार माइक को अपने हाथों में लिए हुए हैं, माइक से लगातार वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार यहां पर बदल रही है, क्योंकि 10 बजे का वक्त था जनाजा निकलने का, सुपुर्दे खाक का वक्त था कि जनाजा मुख्तार अंसारी के घर से 10 बजे सपना ये प्रोसेस देखिए एक शख्स जिसको परमिशन है अंदर कब्रिस्तान में जाने का, वो कितनी आसानी से वो अंदर चला जाता है, लेकिन जिसको परमिशन नहीं है उसे तुरंत निकाल दिया। ये एक शख्स जिसको आप देख पा रहे हैं पगड़ी उसके सर पे है, उसको परमिशन थी, उसने एसपी सिटी को बोला, एससीओ को बोला, वो आसानी से अंदर कब्रिस्तान के अंदर घुस गया। तो इस तरीके से लिस्ट है, मुझे लगता है कि लिस्ट है कि किन्हें अंदर जाना है, किन्हें अंदर नहीं जाना है, और जिन्हें अंदर नहीं जाना होता है। आनंद उसका जिक्र भी कर रहे थे कि लिस्ट है, और उस लिस्ट को देखते हुए फिर आधार कार्ड चेक कर रहे थे, उसके बाद मैं अलॉट हूं आपके पास में, आप दिखाइएगा तस्वीरें आनंद, क्योंकि नीचे मौजूद है वो और ज्यादा बेहतर नीचे से तस्वीरें बता पाएंगे, दिखा पाएंगे। आनंद जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि हम अमित के कैमरे से जो तस्वीरें देख पा रहे हैं उससे सख्ती साफ नजर आ रही है। कितनी सख्ती है, अगर आपका नाम है सूची में तो ही आप अंदर जाएंगे, नहीं तो आप अंदर नहीं जाएंगे। क्या तस्वीरें आप दिखा रहे हैं? देखिए बिल्कुल सपना, सुनील यादव मेरे कैमरा से दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए अभी हम यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे, यहाँ पर अब रस्सी लगा दी गई है, एक तरीके से बैरिकेटिंग कर दी गई है कि जो लोग हैं वो कब्रिस्तान के मेन गेट तक ना पहुंच पाए। और हालांकि यहाँ पर कुछ दर्जन लोग जरूर यहाँ पर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी आप आगे की तस्वीरें देखें मेरे कैमरा से, आपको दिखाएंगे मुख्तार अंसारी के घर की तरफ का जो रोड है वो रोड अभी आपको खाली नजर आ रहा है, क्योंकि वहां भी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की गई है, और वहां से लोगों को आगे इधर नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि पुलिस की कोशिश ये है कि जनाजे में कुछ लोग ही शामिल हो, उनके परिवार के करीबी रिश्तेदार या जिन लोगों के नाम पुलिस को दिए हुए वो लोग ही जनाजे में शामिल हों। और उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो मेन गेट है, जैसा कि अमित भी टॉप एंगल से दिखा रहे हैं, हम नीचे से आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर तमाम अधिकारी जो हैं यहाँ पर पूरी फोर्स के साथ इस गेट पर खड़े हुए हैं, केवल कुछ ही लोगों को यहाँ पर। क्या उधर की तरफ जाके हमें दिखा सकते हैं कि अगर क्या उनके पास कोई लिस्ट है या उनसे बात कर सकते हैं ज्ञानेंद्र किसी से, कि क्या वाकई कोई लिस्ट है उससे वो लोग पहचान कर रहे हैं और फिर आने दे रहे हैं, अगर दिखा पाए तो संभव हो तो। जी देखिए बिल्कुल यहाँ पर तमाम अधिकारी जो हैं यहाँ पर केवल आई कार्ड चेक करके ही अंदर लोगों को जाने दे रहे हैं, जिनके नाम पहले से पुलिस के पास थे, और यहाँ पर अधिकारी की कोशिश है, अधिकारियों की लाउड स्पीकर के जरिए, कि लोग यहाँ पर भीड़ ना लगाएं, कानून व्यवस्था खराब ना करें। ये देखिए, ये हम तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल कब्रिस्तान के अंदर की तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा आपको आगे आगे दिखाएंगे। यहीं पर सुपुर्द खाक जो है वो मुख्तार अंसारी को किया जाएगा। ये देखिए, ये कब्र जो है जो कल खोदी गई है, करीबन 7.5 फीट की कब्र जो है, यहाँ पर कुछ लोग जो केयर टेकर हैं वो सपना यहाँ पर मौजूद हैं, और देखिए कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग भी हैं जो यहाँ पर पहुँच गए हैं। मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर कुछ लोग अंदर जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो अंतिम काम जो कार्रवाई है, जो रस्म कुछ होना है सुपुर्द खाक की, उसमें शामिल होने के लिए। हालांकि अभी यहाँ का दरवाजा पूरी तरह से बंद है। मैं लौट रही हूँ आपके पास में, एक बार दर्शकों को तीन तस्वीरें हम आनंद दिखा देते हैं, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। आपकी तस्वीरें आपके कैमरे के जरिए जो आ रही हैं वो देखेंगे। ये तीन तस्वीरें आप देख लीजिए, किस तरीके से आज सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा, उससे पहले किस तरीके से मुख्तार के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ रही है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि रॉबिन हुड की छवि उसने अपने इलाके में बनाई थी, और किस तरीके से वो गरीबों की मदद की आड़ में अपने काले कारनामों को अंजाम दिया करता था। दूसरी तस्वीर हमारे सहयोगी अमित ने अपने कैमरे से दिखाई, कब्रिस्तान के बाहर भारी भीड़ है। अंबिका चौधरी पूर्व सरकार में मंत्री भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता है, वो जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं उसी दौरान उनके साथ में कुछ और भी लोग होते हैं जो दाखिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोक दिया जाता है। अगर आपके पास वो नाम है पुलिस के पास आपका तो ही आप अंदर जाएंगे, नहीं तो आप अंदर नहीं जाएंगे। तीसरी तस्वीर, कब्र तैयार हो गई है। आज से पहले मुख्तार अंसारी ने न जाने कितने काले कारनामों को अंजाम दिया, कितनी हत्याएं की, कितनी लूटपाट की वारदातें सामने आई, उसने दूसरों की कब्र खोदी, लेकिन आज उसकी कब्र बनकर तैयार हो गई है। हार्ट अटैक से उसकी जान चली गई। अमित का फिर से रुक कर लेते हैं। अमित तस्वीरें दिखाइए, लाइव तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं अपने। ये देखिए जनाजे की तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्तार अंसारी के जनाजे में, वहां के लोग भारी संख्या में जो है शिरकत होने के लिए पहुंच रहे हैं, और कोशिश है सबकी, क्योंकि ये एक आखिरी प्रक्रिया होती है वो किसी भी धर्म में हो, कि अगर कोई उसकी आखिरी यात्रा निकल रही है तो उसके अंतिम दर्शन कर लिए जाए।
जैसा हमने पहले भी कहा कि मुख्तार अंसारी दुनिया के लिए बाहुबली होगा, दुनिया के लिए वो बड़ा डॉन होगा, लेकिन इस पूरे इलाके में गाजीपुर का मोहम्मदाबाद गांव, ये जहां से वो आता है, जहां से उसका परिवार आता है, वहां के लिए वो किसी रॉबिन हुड से कम नहीं था। वहां के लोगों से जब भी आप बात करेंगे तो उनके लिए वो किसी शहंशाह से कम नहीं था, क्योंकि उनकी मदद कर दिया करता था। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, भारी भीड़ है लोगों की। उमर अंसारी, उनके बेटे मौजूद हैं और साथ ही साथ उनके भाई माफ कीजिएगा उनके भाई मौजूद हैं, और भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और इसी भीड़ को संभालने के लिए यहां पर पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में तैनात की गई। ये तस्वीर आप देखिए और इस तस्वीर से अंदाजा लगाइए कि आप एक बात और इसे समझ सकते हैं कि कुछ जो विपक्षी सवाल खड़े कर रहे हैं वो जी हाँ बिल्कुल सपना, मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सपना, मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अब मैं जो आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ, जो सड़क है, जो पैतृक गांव के तरफ से कब्रिस्तान की तरफ आने वाली सड़क है, उस सड़क पे भीड़ इकट्ठा हो गई है। युगल ज्यादा आगे मत जाइएगा, अब अपने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जरा सड़क की, उस सड़क की तस्वीर दिखाइए जिस सड़क से अभी जनाजा आने वाला है। इस सड़क पे हर कोने पे, चप्पे चप्पे पे यहाँ पर आम लोग यहाँ पर खड़े हो गए। हर कोई मुख्तार अंसारी को एक बार देखना चाहता है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से सपना आप लगातार जिक्र कर रही थी, रॉबिन हुड की छवि है, जिस तरीके से हम यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे थे, कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी मोहम्मदाबाद इलाके में रॉबिन हुड की छवि बनाकर रखा था। लेकिन अगर हम मोहम्मदाबाद को छोड़ दें तो बाकी पूर्वांचल के इलाकों में के लोगों से बातचीत करें तो 90 के दशक की वो तस्वीरें लोगों को याद आती है, जब काफिला निकलता था मुख्तार अंसारी का और उनके गुर्गे जो है उस काफिले में लगातार देखिए जनाजा आ चुका है। सपना जनाजा आ चुका है, पीछे की तरफ रही है और जनाजा आ चुका है। मैं जनाजे की तस्वीरें देख रहा हूँ, पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है यहाँ पर। जनाजा आ चुका है और कब्रिस्तान में जनाजा एंटर करने वाली है। जनाजा नहीं यहाँ पर भीड़ है, जनाजा नहीं है, ये बहुत भीड़ है। अफजल अंसारी की तस्वीरें दिखाइए युगल। अफजल अंसारी सबसे आगे लोगों से अपील करते हुए मौजूदा सांसद गाजीपुर के और मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी लोगों से अपील करते हुए कब्रिस्तान के गेट पे कि जनाजा आ रहा है, आप लोग धैर्य बनाइए, कोई अंदर मत आइए, अपील किया लोगों से, अपील कर रहे हैं, हाथ उठा के अपील कर रहे हैं। क्लोज शॉट चाहिए युगल, क्लोज शॉट दिखाते रहिए दर्शकों को। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से हाथ उठा के लोगों को बोले कि आप लोग पीछे जाइए, कोई जोर जबरदस्ती पुलिस से नहीं करेगा। अफजल अंसारी अंदर जा चुके हैं कब्रिस्तान में, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अफजल अंसारी की दिखा रहे हैं। अफजल अंसारी जहां पर कब्र खोदा गया है उस जगह को देखने के लिए जा रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं अफजल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी कब्र के पास खड़े हो गए हैं। पेड़ है यहाँ पर, शायद वो तस्वीरें हम आपको ना दिखा पाए पूरी, लेकिन पूरी कोशिश है। पेड़ है, अफजल अंसारी कब्र को देखते हुए यहाँ पर देखिए तस्वीरें। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, लोगों को पीछे की तरफ ढकेला, हल्का बल प्रयोग कर रही है पुलिस, कह रही है कि नहीं जाने देंगे। एक शख्स देखिए जाने की कोशिश कर रहा है। क्लोज शॉट दर्शकों को दिखाइए, जोर जबरदस्ती करेगा, इसी तरीके से पुलिस उसके साथ सख्ती से पेश आएगी। एक शख्स जो मुख्तार अंसारी के परिवार के ही है, वह पीछे की तरफ छूट गए थे, उन्हें अंदर जाने दिया गया और यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो रही है। लेकिन पुलिस ने कहा नारेबाजी नहीं, एसपी सिटी ने ज्ञानेंद्र ने कहा नारेबाजी नहीं, यहाँ नारेबाजी नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से सख्ती से पेश। अंदर अफजल की तस्वीरें दिखाइए। अफजल लोगों को बुलाते हुए, जिन लोगों को अफजल ने उन लोगों को बुलाया जिन्हें परमिशन अंदर कब्रिस्तान में जाने की दी गई थी, उन लोगों को बुलाया अफजल, उन सभी लोगों को लेकर कब्रिस्तान के दूसरे तरफ के जा रहे हैं। शायद वो तस्वीरें हम ना दिखा पाए सामने, क्योंकि जिस तरफ बुलाया है उस तरफ काफी पेड़ है, वो तस्वीरें हम ना दिखा पाए सपना। लेकिन तस्वीरें हम आपको पल पल की, एक एक तस्वीर पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अफजल अंसारी जो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ अफजल अंसारी उन तमाम लोगों से बातचीत करते हुए जो अंदर कब्रिस्तान में इस वक्त मौजूद है, जिन्हें परमिशन दिया गया था, जो उस लिस्ट में शुमार है, उस लिस्ट में जो इतने लोग शुमार होंगे उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा आधार कार्ड देखने के बाद। और हमने देखा अफजल अंसारी जैसे ही आए भीड़ उनके साथ चली, हमें लगा जनाजा है, लेकिन माफी चाहता हूँ जनाजा नहीं था। और अफजल अंसारी यहाँ आए थे लोगों को समझाने के लिए आए थे। देखिए अफजल अंसारी दूसरी तरफ लोगों से बातचीत करने के बाद दूसरी तरफ निकलते हुए अफजल अंसारी दूसरी तरफ जा रहे हैं सपना। तो तस्वीरें हम लगातार, और यहाँ देखिए
यहाँ देखिए मुख्तार अंसारी के परिवार से एक सदस्य आके अनाउंस करता हुआ कि आप लोग धैर्य बनाइए, इस सड़क को खाली करिए, इस सड़क को खाली करिए। मुख्तार अंसारी के परिजन है ये, वो अनाउंस करते हुए कि सड़क को खाली करिए, जनाजा आ रहा है। पुलिस ने रिक्वेस्ट किया अफजल अंसारी से और मुख्तार अंसारी के परिवार से कि भीड़ को कंट्रोल करने में सहायता करिए, और उसके बाद यहाँ पर जो मुख्तार अंसारी के परिजन हैं वो बाहर निकले। और यहाँ तस्वीरें देखिए, अब उन्होंने रिक्वेस्ट की यहाँ के लोगों को कि जनाजा आ रहा है, आप लोग यहाँ से हटिए, रास्ते को खाली करिए, और उसके बाद रास्ता खाली हो चुका है, यानी किसी भी वक्त यहाँ पे जनाजा आ सकता है। अफजल की तस्वीरें, अफजल बाहर आ रहा है, जीवल अफजल की तस्वीरें दिखाइए, अफजल अंसारी बाहर आ रहे हैं, देखिए मौजूदा सांसद हैं गाजीपुर के, और देखिए अफजल अंसारी अब बाहर निकलते हैं, कब्रिस्तान के गेट से बाहर निकले अफजल अंसारी कब्रिस्तान के गेट से बाहर निकल चुके हैं। और इस वक्त देखिए देखिए हर तरफ लोगों को देखते हुए हाथ से इशारा कर रहे हैं अफजल अंसारी, हाथ जोड़ रहा लोगों के सामने कि आप लोग भीड़ मत इकट्ठा करिए, आप लोग भीड़ मत इकट्ठा करिए, लोगों के सामने हाथ जोड़ा। अब अफजल अंसारी लोगों को बोलते हुए कि इस साइड से हटिए, दूसरे साइड जाइए, लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए क्लोज तस्वीरें अफजल अंसारी की दिखाते रहिए। अफजल अंसारी भीड़ को समझाते हुए और भीड़ को बताते हुए कि आप लोग यहाँ भीड़ इकट्ठा मत करिए, उन्होंने हाथ भी जोड़ा भीड़ के सामने। और अब देखिए अफजल अंसारी जो है यहाँ पर देखिए लगातार लोगों से अपील करते हुए कि पीछे की तरफ जाइए। पहले मुख्तार अंसारी के परिजन, एक परिजन को हमने देखा कि किस तरीके से वो बाहर आके अनाउंस किए, उसके बाद लोग जो है देखिए एक शख्स को मुख्तार अंसारी, अब देखिए मुख्तार अंसारी बोल रहे हैं कि आप लोग यहाँ से हटिए, लोगों को समझाते हुए मुख्तार अंसारी की तमाम क्लोज तस्वीरें दिखाते रहिए। युगल सपना, आप ये सारी तस्वीरें देख सकती होंगी इस वक्त यहाँ पर, और अफजल अंसारी किस तरीके से यहाँ पर लोगों को समझा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर तस्वीरें, सख्ती से पेश आई है पुलिस, पहले अफजल अंसारी ने समझाया, सख्ती से पेश आई, अब शायद जो पैतृक आवास है उधर से हलचल बढ़ गई है, सपना पैतृक आवास से हलचल बढ़ गई है, जो यहाँ SSP रैंक के अधिकारी है वो यहाँ पहुंच गए हैं, अब CDO भी यहाँ पर मौजूद है, हलचल बढ़ गई है, जनाजा किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकता है, हलचल बढ़ गई है। जरा यहाँ अधिकारियों की तस्वीरें दिखाइए, कब्रिस्तान के गेट के सामने पैन करते हुए, कब्रिस्तान के गेट के सामने की ये तस्वीरें दिखाइए, देखिए अनाउंस, हलचल बढ़ गई है, यानी जनाजा किसी भी वक्त, पुलिस ने हल्के से सबको कहते हुए कि इस सड़क को खाली कर दीजिए। सपना, ये तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें पल पल की अपडेट मुख्तार अंसारी के जनाजे की न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को लगातार मिलते रहेंगे, एक एक अपडेट हम यहाँ पर देते रहे। अफजल अंसारी की तस्वीरें दिखाइए एक बार, अफजल अंसारी की तस्वीरें दिखाइए, भीड़ में ही है अफजल अंसारी, भीड़ को समझाते हुए जनाजा किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकता है। और तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो पुलिस हैं, पुलिस के जो जवान हैं, भीड़ को कंट्रोल करते हुए अफजल अंसारी एक बार फिर कब्रिस्तान में अंदर चले गए हैं अफजल अंसारी। तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ पर दिखाते हुए, देखिए हल्का बल्ब का इस्तेमाल किया पुलिस ने, पब्लिक को हटाया, पुलिस ने बोले कि गेट छोड़ दीजिए, गेट खाली कर दीजिए, सुपुर्द खाक हो जाने दीजिए मुख्तार अंसारी को, उसके बाद आप लोग जाके अंदर दर्शन करिएगा। और यहाँ पर सख्ती से, और देखिए अंसारी परिवार का एक और सदस्य बीच सड़क पे आप देख पा रहे हैं, लोगों से अपील करते हुए पब्लिक को यहाँ से हटाने की पूरी कोशिश हो रही है। जो रस्सी लगाई गई थी, हमने अपने दर्शकों को दिखाया था पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए, उस रस्सी के बेड़ा को पार करके जो पब्लिक है वो दूसरी तरफ आ गई। मुख्तार अंसारी के परिजन, एक और परिजन यहाँ पर पब्लिक को समझाते हुए, वो क्लोज तस्वीरें सपना वो दिखाते हुए। आप एक काम करिए, आप अपने कैमरे को इसी तरीके से लगाकर रखिएगा, हम आपके, क्योंकि विजुअल्स को अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, हम हमारे सहयोगी आनंद के पास भी चलेंगे। और ये तस्वीरें एक बार में ये देखिए डिफाइन कर दें, ये तस्वीरें जरा देख लीजिए किस तरीके से, अमित भी जानकारी आपको दे रहे थे, क्योंकि अब किसी भी वक्त जनाजा यहाँ पहुंच जाएगा। अफजल अंसारी मौजूदा समय में गाजीपुर के सांसद हैं वो, और अफजल अंसारी भाई हैं मुख्तार अंसारी के, वो जो है अंदर गए और उन्होंने सब चीजों को देखा, और वो भी अपील कर रहे हैं कि आप भीड़ मत लगाइए, रस्सी से घेराबंदी की जा रही है, रोका जा रहा है लोगों को कि अगर व्यवस्था बिगड़ेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों का हुजूम, लोगों की सुबुक्तुल अंसारी को मैंने अभी तस्वीरों में देखा। आनंद का रुख करते, आनंद नीचे ही आप मौजूद है और हम देख रहे हैं व्यवस्था को अब दुरुस्त करते हुए अफजल अंसारी खुद अपील कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल सपना में
मुख्तार अंसारी के घर की तरफ की मेरे कैमरा से सुनील थोड़ा सा कैमरा पैन करके दिखाएंगे कि कैसे जो भीड़ देखिए वो लगातार यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गई है, लेकिन पुलिस का हमला जो है वो लगातार जारी है। और देखिए जो धर्म गुरु है उनके वो भी धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। परिवार के लोग जो हैं तो भी बड़े भाई हैं, देखिए उनके वो यहाँ पर आ गए हैं। देखिए बड़े अंदर उनको एंट्री। सिबकतुल्ला अंसारी, बिल्कुल ठीक है सिबकतुल्ला अंसारी, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बड़े भाई ये अंदर जा चुके हैं, अफजल अंसारी अभी अंदर गए थे, तो एक एक करके जो परिजन है वो अंदर जा रहे हैं। सपना अब्दुल्ला अंसारी, सपना इस वक्त हम अब्दुल्ला अंसारी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब्दुल्ला अंसारी कब्रिस्तान में दाखिल हो चुके हैं, किसी भी वक्त जनाजा यहाँ पर पहुंच सकता है। अब और जैसे ही जनाजा यहाँ पर पहुंचेगा एक नमाज अदा की जाएगी, जो आखिरी नमाज होती है वो नमाज अदा यहाँ पर की जाएगी, और उसी को लेकर अंदर जो अफजल अंसारी ने बातचीत की लोगों से। अब देखिए पुलिस और सख्ती के साथ यहाँ पर लोगों को हटाती हुई पीछे करती हुई, मतलब वो जो रास्ता है, गेट है कब्रिस्तान का, उस रास्ते को खाली करवा रही है पुलिस। पुलिस नहीं चाहती है कि जब जनाजा है तो जनाजे के सामने कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति उस जनाजे के सामने आए। जनाजा जो है किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकता है। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। हम लगातार जिक्र कर रहे थे रॉबिनहुड की छवि की, और जाहिर तौर पे उसी रॉबिनहुड की छवि के मद्देनजर यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा। देखिए एक और तस्वीर, पैरामिलिट्री फोर्स डिप्यू आ गया है यहाँ पे। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आ गए हैं, और वो अब भीड़ को काबू करते हुए भीड़ को बोल रहे हैं कि शांति बनाए रखिए। वो अफजल अंसारी के पैरामिलिट्री फोर्स के पीछे जो एक शख्स को आप देख पा रहे हैं भीड़ में, जरा क्लोज शॉट दिखाइएगा गूगल, पैरामिलिट्री फोर्स के बीच में बहुत मुश्किल है इस वक्त क्लोज शॉट दिखाना, एक एक लोगों को पहचान करना, लेकिन भीड़ बेकाबू होती हुई यहाँ पे। हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। भीड़ नारेबाजी करती हुई, और ऐसे में देखिए भीड़ गेट की तरफ आगे बढ़ रही है। साहबुद्दीन का बेटा भी यहाँ पहुंच चुका है, बिहार का बाहुबली जो सुपुर्ते खाक हुआ था कोविड के दौरान, साहबुद्दीन उसका बेटा भी यहाँ पर पहुंच गया है। और देखिए भीड़ को कंट्रोल करते हुए पुलिस सख्ती से इस्तेमाल करते हुए क्लोज शॉट दिखाइएगा युगल, भीड़ को कंट्रोल करती हुई पुलिस कह रही है भीड़ आगे मत बढ़िए। देखिए पैर रखने की जगह नहीं है इस वक्त। सपना भीड़ आगे बढ़ रही है, लेकिन पुलिस उनको रोक रही है। एक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई गेट से बाहर आ गए, क्लोज तस्वीरें, लोगों से अपील कर रहे हैं पीछे जाइए, जनाजा आने वाला है, पीछे जाइए। मुख्तार अंसारी का बड़ा भाई, जनाजा आ गया। सुपुर्ते खाक में शामिल होने के लिए मुख्तार अंसारी पहुंच चुके हैं कब्रिस्तान के बाहर, जनाजा आ चुका है यहाँ पर, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। जनाजा मुख्तार अंसारी का पहुंच गया है मोहम्मदाबाद में, और देखिए जनाजा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ बेकाबू होती जा रही है, पुलिस को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। जनाजा आगे बढ़ता हुआ मुख्तार अंसारी का, और देखिए शांति की अपील कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई शांति की अपील कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ बेकाबू हो रही है। रॉबिनहुड की छवि थी मुख्तार अंसारी की इस वक्त अनाउंसमेंट करते हुए मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अनाउंसमेंट करते हुए भीड़ आगे बढ़ रही है, लेकिन भीड़ किसी के काबू में इस वक्त नहीं आ रही है। बहुत मुश्किल से जनाजा धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान इस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार न्यूज 18 इंडिया पे अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से भीड़ आगे बढ़ रही है, जनाजा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। धक्का मुक्की की तस्वीरें हो रही है भीड़ में, पुलिस बल प्रयोग का इस्तेमाल कर रही है जिससे जनाजा आगे बढ़े। पुलिस हल्की शक्ति का इस्तेमाल कर रही है जिससे जनाजा आगे बढ़े। जनाजा आगे बढ़ नहीं पा रहा है। मुख्तार के बड़े भाई अनाउंसमेंट करते हुए
गेट की तरफ की पैन तस्वीरें दिखाइए। मुख्तार के बड़े भाई अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लेकिन नारेबाजी हो रही है, भीड़ मान नहीं रही है, जनाजा आगे बढ़ नहीं पा रहा है। लार्ज शॉट दिखाइए, वाइड शॉट दिखाइए जुगल, या वाइड शॉट दिखाइए जनाजे के साथ, किस तरीके से यहाँ पर लगातार जनाजा आगे बढ़ नहीं पा रहा है। और देखिए, जो रॉबिन हुड की छवि मोहम्मदाबाद में थी, उसी का फायदा यहाँ पर अंसारी परिवार को मिलता हुआ। भीड़ देखिए, क्लोज तस्वीरें, भीड़ की वाइड तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। जनाजा पिछले कुछ मिनट से एक ही जगह पे है, अब जनाजा आगे बढ़ा, कब्रिस्तान का गेट खुल गया, कब्रिस्तान में लोग घुसने लगे हैं, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, हर कोई कब्रिस्तान में नहीं जा सकता, कब्रिस्तान के गेट की तरफ मुड़ चुका है जनाजा, पीछे गया, जनाजा पीछे की तरफ जा रहा है। उमर अंसारी वह यहां से लगातार अपील करते हुए, जनाजे को अंदर जाने दीजिए, वाइड शॉट दिखाइए, क्लोज शॉट दिखाइए, वह तमाम शॉट दिखाइए जिससे कि न्यूज 18 इंडिया के दर्शक यहां का हर माहौल को देख पाए। और देखिए, उमर अंसारी मुख्तार अंसारी का बेटा अपील करते हुए, पुलिस ने सख्ती का इस्तेमाल किया, पुलिस यहां से लोगों को हटाती हुई कि जनाजे को अंदर जाने दिया जाए। पिछले कुछ मिनटों से जनाजा जो है एक ही जगह पर खड़ा है, क्योंकि पब्लिक यहां पर हर कोई कब्रिस्तान में एंटर करना चाहती है, और कब्रिस्तान के लिए लिस्ट बनाया गया है, उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा जिनको इजाजत है, जिनको अंसारी परिवार ने इजाजत दी है। इस वक्त जो लोकल सीओ है उमर अंसारी से उन्होंने माइक अपने हाथ में ले ली है, जो मैं देख पा रहा हूँ, जो अपने माइक अपने हाथ में ले ली है। और यहाँ पर देखिए, उमर अंसारी आगे बढ़ना चाहते हैं जनाजे को कब्रिस्तान में ले जाने के लिए। और यहाँ पर देखिए, जनाजे को आगे बढ़ाया जा रहा है, सख्ती से बढ़ाया जा रहा है, कब्रिस्तान का गेट खुल गया, मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक होने के लिए एंटर करते हुए कब्रिस्तान का गेट खुल गया, सुपुर्दे खाक होने के लिए मुख्तार अंसारी इस वक्त कब्रिस्तान में एंटर कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें, पूरी पब्लिक जो आम जनता है वो इस सुपुर्दे खाक में शामिल होना चाहती है। पुलिस को कड़ी मशक्कत करना पड़ रहा है, काफी मशक्कत करना पड़ रहा है गेट बंद करने के लिए। देखिए, इस वक्त घुस चुके हैं अंदर, गेट बंद नहीं हो पा रहा है, पब्लिक अंदर घुसते जा रही है। बाहर की तस्वीरें देखिए, पुलिस ने सख्ती का इस्तेमाल कर दिया, भीड़ बेकाबू हो गई। पैरामिलिट्री फोर्स आगे बढ़ गई, और यहाँ पर देखिए, पैरामिलिट्री फोर्स आगे बढ़ गई, भीड़ को तितर बितर कर दिया गया। गेट की जो तस्वीरें दिखाई है, पुलिस ने हल्का बल का इस्तेमाल किया, और यहाँ देखिए कुछ पब्लिक यहाँ पर देखिए, आप पीछे की तरफ हटे, मुख्तार अंसारी कब्रिस्तान में अंदर जा चुके हैं। और यहाँ पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग इस्तेमाल करना पड़ा। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान को देखिए, किस तरीके से बिना अपने डंडे का इस्तेमाल किए हुए पब्लिक को यहाँ से हटा रहे हैं, सख्ती से इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्तार अंसारी कब्रिस्तान में एंटर कर गए हैं, सुपुर्दे खाक हो रहे हैं इस वक्त मोहम्मदाबाद में। और देखिए, हम आपको वो तमाम तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा एक बार वाइड तस्वीर कब्रिस्तान के बाहर की दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर पैर रखने की बिल्कुल जगह नहीं है। और यहाँ पर देखिए, लगातार हम वो तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखाते रहेंगे। भीड़ बेकाबू हो गई, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सपना यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप लोग पैर बनाइए सुपुर्दे खाक। पुलिस ने हल्का बल का इस्तेमाल भी किया, पुलिस ने लाठी का इस्तेमाल नहीं किया, अपने हाथों का ही इस्तेमाल किया। सुपुर्दे खाक होने के लिए मुख्तार अंसारी, जिनका कई दशकों तक पूर्वांचल में डंका बसता रहा, उनके गुर्गे उनके काफिले में हथियार लहराते रहे, अधेश राय हत्याकांड का आरोप और तमाम हत्याकांड का आरोप जो है मुख्तार अंसारी पर लगता रहा। और इस वक्त जो तस्वीरें हैं, जो आखिरी नमाज अदा की जाएगी
मुख्तार अंसारी के लिए जाहिर तौर पे उसकी तैयारी कब्रिस्तान के अंदर की हम देख पा रहे हैं। नारेबाजी हो रही है मुख्तार अंसारी को लेकर। यहां पर बाहर कब्रिस्तान के एक एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को यहां से लगातार दिखा रहे हैं, जिस तरीके से हम लगातार कवरेज मुख्तार अंसारी की यहां पर कर रहे थे। बांदा मेडिकल कॉलेज, बांदा जेल से बांदा मेडिकल कॉलेज, और बांदा मेडिकल कॉलेज से 420 किलोमीटर का वो रूट जिससे मोहम्मदाबाद पहुंचा देर रात 2 बजे के आसपास मुख्तार अंसारी का शव, और उसके बाद वो तमाम तैयारियां पुलिस के हम लगातार दिखा रहे हैं। इस वक्त मुख्तार अंसारी कब्रिस्तान में अंदर पहुंच चुके हैं, मौलवी साहब अंदर हैं जो तमाम प्रोसेस को अंजाम देंगे, आखिरी नवाज होगी और आखिरकार मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक हो जाएंगे। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी इस वक्त कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं, अफजल अंसारी मौजूद है, मुख्तार अंसारी के तमाम भाई यहां पर मौजूद हैं, अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे, वो इस सुपुर्दे खाक में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि हाईकोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी। देर रात सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी इजाजत नहीं दी, लेकिन सख्ती का इस्तेमाल करते हुए यहां पर मुख्तार अंसारी के समर्थकों के लिए पुलिस लगातार अपील कर रही है कि आप लोग धैर्य बनाए रखिए। थोड़े समय का प्रोसेस है, आखिरी नवाज अदा हो जाए, सुपुर्दे खाक हो जाए, उसके बाद आप लोग जाके अंदर कब्रिस्तान में दर्शन कर पाएंगे, लेकिन अभी का जो प्रोसेस है लॉ एंड ऑर्डर को कोई हाथों में ना ले। पुलिस लगातार अपील करती हुई इन तमाम लोगों से यहाँ पर लगातार अपील कर रही है। सपना, इन तमाम लोगों से हम देख पा रहे हैं यहाँ तस्वीरों में भीड़ बेकाबू होती हुई, भीड़ को अपील करते हुए यहाँ के स्थानीय लोग कि आप लोग कृपया करके देखिए। फिर हल्का बल का इस्तेमाल सपना कर दिया गया है यहाँ पुलिस की तरफ। पुलिस जो है लगातार अनाउंसमेंट यहाँ पे किया जा रहा है। आप अंदर की तस्वीरें दिखाइए, प्रोसेस शुरू हो गया, पेड़ों के दिखा पा रहे हैं। देखिए इस वक्त हम कालीबाग कब्रिस्तान के बाहर मौजूद हैं और जो मुख्तार अंसारी का जो जनाजा है वो कब्रिस्तान के अंदर पहुंच चुका है। बाहरी पुलिस फोर्स जो है वो यहां पर तैनात है। स्थानीय लोग जो हैं जिनकी नजर में रॉबिन हुड थे मुख्तार अंसारी, वो यहां पर आप देख सकते हैं, चाहे छोटे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, तमाम लोग यहां पर इकट्ठा हैं। लोग सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो यहां पर बना रहे हैं, वो आखिरी पल कैद करना चाहते हैं। यहां पर समाजवादी पार्टी के एक पूर्व नेता भी पहुंचे थे और यहां पर मुख्तार अंसारी के सपोर्ट में नारेबाजी भी हुई। उनके परिवार के लोग भी लगातार यहां पर आम लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए। और देखिए पूरी सड़क खचाखच भरी हुई है। देखिए मेरे कैमरा पर्सन सुनील यादव आपको टॉप एंगल से दिखाएंगे कि किस तरह से जब सुबह हम यहां पर 6 बजे रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे तो यहां पर केवल पुलिस मौजूद नजर आ रही थी, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में जो लोग हैं उनके स्थानीय लोग हैं, समर्थक है, वो यहां पर मौजूद है। देखिए पुलिस की मौजूदगी भी यहां पर दिखाई जा रही है। मैं देखिए आपको यहां से तस्वीरें दिखाता हूं, थोड़ी सी अगर हम देख पाए तो देखिए ये यहां पर जहां पर कि पुलिस पीएसी के जवान खड़े हुए हैं, यहां से मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए अंदर की थोड़ी तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव जहां पर कि जो सुपुर्दे खाक की कार्रवाई है वो की जा रही। देखिए सुनील यादव ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको इस कब्रिस्तान के बाहर की, जहां पर कि कुछ लोगों को ही आने की अनुमति दी गई है। यहां पर अर्धसैनिक बलों के जो जवान है, सीआईएसएफ की जो टुकड़ियां हैं वो तैनात की गई है, और यहां पर देख सकते हैं मुख्तार अंसारी का जो पूरा परिवार है, उनके चाहे भाई हो या उनके भतीजे हो, वो तमाम लोग यहां पर अंदर है। परिवार के कुनबे के दूसरे लोग मौजूद हैं और ये उनका तरीके से पुश्तैनी कब्रिस्तान है। यहां पर उनके पिता की, उनकी माता की, इसके अलावा उनके दादा परदादा की कब्र यहां पर है। करीबन 7.5 फीट की कब्र जो है यहां पर खोदी गई थी, जो केयर टेकर बबलू है उनसे भी हमने कल बात की थी। और एक बार देखिए फिर हम आपको यहाँ पर देखिए एक उलेमा काउंसिल के एक मौलाना साहब भी यहाँ पर हैं, मैं आपके बात कराता हूँ उनसे सीधे। मेरे कैमरा पर्सन से बोलूंगा थोड़ा कैमरा इधर लेके आए। यहाँ पर सादिक साहब क्या क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत सारे लोग यहाँ पर आए मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने के लिए। मैं इस वक्त कब्रिस्तान के अंदर की तस्वीरें दिखाने के लिए जा रहा हूँ अंकिता। तो कब्रिस्तान के अंदर की तस्वीरें देखिए, बाहर तो पुलिस फोर्स की पूरी अरेंजमेंट है, लेकिन अंदर की जो प्रोसेस है वो आपको हम दिखा रहे हैं। मौलवी साहब पहुंच गए हैं, मौलवी साहब वो तमाम प्रोसेस को अंजाम दे रहे हैं और हम एक एक तस्वीर आपको कब्रिस्तान के अंदर की दिखा रहे हैं। इस वक्त जो बॉडी है, जो शव है मुख्तार अंसारी का, वो उनके कब्र के पास रख दिया गया है और जाहिर तौर पर अगले कुछ मिनट में जो आखिरी नवाज है वो आखिरी नवाज पड़ी जाएगी, उसकी तैयारी अंदर की जा रही है। मैं इस वक्त यहां से उमर अंसारी को देख पा रहा हूं, जो मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे हैं, उनके बड़े भाई को देख पा रहा हूं, अफजल अंसारी को देख पा रहा हूं,
और तमाम जो परिजन है मुख्तार अंसारी को, उनको यहाँ से देख पा रहा हूँ जो वो तमाम प्रोसेस कर रहा है। आखिरी नमाज यहाँ पर पढ़ी जाएगी और आखिरी नमाज के बाद सुपुर्द खाक कर दिए जाएंगे मुख्तार अंसारी, और जैसे ही सुपुर्द खाक होंगे अंकिता, उसके बाद से ही ये जो तमाम भीड़ है उसके लिए गेट यहाँ से खोल दी जाएगी, वो भीड़ एंटर करेंगे और जिनको भी नमाज अदा करनी है, जो आखिरी सलाम करना है मुख्तार अंसारी को, वो मुख्तार अंसारी को अपना आखिरी सलाम कर सकते हैं। लेकिन ये भीड़ यहाँ पर क्यों है? क्योंकि जो छवि मुख्तार अंसारी की थी मोहम्मदाबाद में, वो रॉबिनहुड की छवि, जो यहाँ के लोगों को वो सहायता करते थे बेटियों की शादी में, जिस तरीके से वो मदद करते थे, वो केवल मोहम्मदाबाद में। लेकिन अगर पूर्वांचल वासियों की अगर हम बात करें तो 1990 के दशक में, 1980 के दशक में पहली बार मुख्तार अंसारी क्राइम की दुनिया में उन्होंने कदम रखा, मुखान सिंह गिरोह के साथ उनका नाम जुड़ा, उसके बाद जौनपुर, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ में जो संगठित अपराध होता था उसमें मुख्तार अंसारी का नाम आते रहता था। मुख्तार अंसारी की अदावत भी कई गैंगों के साथ हुई, उनका भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन सब के बावजूद मुख्तार अंसारी का जब काफिला 1990-2000 के दशक में निकलता था तो उनके काफिले में जो गुड़गे होते थे वो असला लहराते हुए जाते थे। तो ये सब जो तस्वीरें जिन लोगों ने देखा है, वो लोग आज यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन जिनके नजर में रॉबिन हुड की तस्वीरें थी मुख्तार अंसारी की, वो लोग यहाँ पर मौजूद है। और इस भीड़ जब पुलिस ने हल्का बल प्रयोग यहाँ पर किया है, उसके बाद ये भीड़ छटी है यहाँ पर। जरा ये व्हाइट तस्वीरें, जो हम अंदर की तस्वीर तो दिखाई रहे अपने दर्शकों को, बाहर की भी एक बार तस्वीर दिखा दीजिए। बाहर जो है थोड़ा सा भीड़ कंट्रोल में गई है, पुलिस ने यहाँ पर सख्ती से निपटा, इन लोगों से सख्ती से निपटा। अंदर से मुख्तार अंसारी के परिजन आए, उमर अंसारी को हमने देखा, अफजाल अंसारी को हमने देखा, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सबूबुल्लाह को हमने देखा कि किस तरीके से वो बाहर आए, और बाहर आने के बाद यहाँ पर उन्होंने शांति की अपील की, पुलिस को भी हल्का बल का इस्तेमाल करना पड़ा है, और उसके बाद यहाँ पर जो है भीड़ अब जो है कंट्रोल में आ चुका है। अब यहाँ से पुलिस ने यहाँ से चेतावनी दे दी है, भीड़ को बड़ी खबर चेतावनी दे दी है कि इलेक्शन का समय है, कोई भी नारेबाजी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज होगा। वीडियोग्राफी मुख्तार अंसारी के भाई, एक और भाई जो है यहां पर पहुंच गया है, देखिए मुख्तार अंसारी के व्हील चेयर पर दीजिए, व्हील चेयर की तस्वीरें दिखाइए, मुख्तार अंसारी के एक और भाई यहां पर पहुंच गए हैं, व्हील चेयर पर यहां पर पहुंचे हुए हैं, मुख्तार अंसारी के परिजन है शायद, और इनको आगे की तरफ ले जाए। बताइए इलेक्शन का समय है, कोई भी नारेबाजी करेगा, वीडियोग्राफी हो रही है, एफआईआर दर्ज किया जाएगा, चेतावनी गाजीपुर पुलिस की तरफ से यहां पर लोगों को, जो लोग भीड़, गेट खुलता हुआ, मुख्तार अंसारी के ये भाई हैं, ये चचेरे भाई हैं जिनके लिए गेट खुल गया है, और वो व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, और वो इस वक्त कब्रिस्तान में अंदर दाखिल होते हुए वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आखिरी नमाज जो है इस वक्त अदा की जाएगी, और वो अंदर जाते हुए यहाँ पर देखिये गेट खुल गया, गेट बंद हो गया, व्हील चेयर पर हम देख पा रहे हैं, व्हील चेयर आगे की तरफ बढ़ता हुआ जहां पर कब्र खोदा गया है मुख्तार अंसारी का, ठीक वहीं की तरफ जाते हुए। और एक बार फिर से अनाउंसमेंट किया गया पुलिस की तरफ से बाहर कि जैसे ही आखिरी नमाज हो जाएगी, सुपुर्द खाक हो जाएंगे मुख्तार अंसारी, हर किसी को इजाजत दी जाएगी कि अंदर वो कब्रिस्तान में जाए, आखिरी सलाम वो कर सकते हैं, आखिरी नमाज वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इस वक्त जितने भी रिलेटिव्स हैं वो मुख्तार अंसारी के, वो अंदर पहुंच चुके हैं, और जो प्रोसेस है आखिरी नमाज का वो कुछ ही पल में यहां पर शुरुआत कर दिया जाएगा। एक बार फिर से दिखाइए जरा व्हाइट तस्वीरें, जो पैतृक आवास है मुख्तार अंसारी का, उस सड़क से लेकर कब्रिस्तान के गेट तक, और दूसरी तरफ जो गाजीपुर और मऊ की तरफ से जो सड़क आती है वहां की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। टॉप एंगल शॉट हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस की सख्ती के बाद पुलिस ने जो माइक से अनाउंसमेंट किया कि एफआईआर दर्ज हो सकती है, चुनाव का वक्त है, और ये तमाम तस्वीरें वाइड तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से नारेबाजी हुई है, पुलिस चेतावनी दे रही है एफआईआर दर्ज होगा, पुलिस चेतावनी दे रही है एफआईआर दर्ज होगा, भीड़ ने पीछे से नारेबाजी की, पुलिस ने चेतावनी, पुलिस आगे की तरफ बढ़ती हुई, जहां से नारेबाजी हो रही है पुलिस आगे की तरफ बढ़ती हुई। देखिए ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पे, जिधर से नारेबाजी हुई है पुलिस ने चेतावनी दी एफआईआर दर्ज होगा, वीडियोग्राफी हो रही है, पुलिस उधर की तरफ आगे बढ़ती हुई, भीड़ पीछे की तरफ हटती हुई, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, केवल आप न्यूज 18 इंडिया पे देख सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान नारेबाजी जिधर से हुई है उधर बढ़ते हुए, हाथों में लाठी लेकर, शील्ड लेकर, हथियार लेकर, कैप लगाकर, अपना हेलमेट, और सीधे वो आगे जाते हुए कि जहां से नारेबाजी हुई है, हम सीधे कब्रिस्तान के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर की मौजूद मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। देखिए सुनील यादव बिल्कुल अंदर की तस्वीर दिखाएंगे, बाहर जिस तरह से पूरी हुजूम यहां पर है, पुलिस फोर्स है, वैसे ही देखिए अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये कब्रिस्तान के अंदर की तस्वीरें हैं, यहां पर की कुछ चुनिंदा लोग जो हैं परिवार के और कुछ स्थानीय लोग जो हैं
वो यहाँ पर मौजूद है। और बिल्कुल देखिए यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर जहाँ पर आप भीड़ देख रहे हैं वहां पर मुख्तार अंसारी की जो कब्र है उसे कल खोदा गया था, करीबन 7.5 फीट की जो कब्र थी। और बिल्कुल उनकी कब्र के सामने ही उनकी माता की, उनके पिता की और उनके जो दूसरे रिश्तेदार हैं उनके खानदान के, उनकी कब्र वहां पर है। और यहाँ पर देखिए थोड़ी देर के बाद ही जो है जो अंतिम रीति रिवाज है वो यहाँ पर शुरू होंगे और उसके बाद सुपुर्द खाक के बाद यहाँ पर जो आम लोग हैं उनके भी यहाँ पर आने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि ये प्रशासन के ऊपर है, मैं कुछ लोगों से यहाँ पे बात करता हूँ, ये अंदर किस तरह की अभी क्या चल रही है कार्रवाई? बहुत अच्छा कार्रवाई है एकदम। क्या क्या हो रहा है अभी? अभी बस उनको दफनाने की तैयारी हो रही है, मतलब जो मुसलमानों के धर्म में होता है वो चीज हो रहा है। अभी दफनाया नहीं है? अभी नहीं, नहीं। कितना देर और लगेगा? अभी कम से कम 10-15 मिनट लगेगा अभी टाइम। अच्छा। जी और क्या फातिया पड़ा जाएगा? जी जी अभी अभी सब लोग जो बाहर के लोग हैं वो लोग आएंगे, मिट्टी देंगे, उसके बाद लास्ट में फातिया पड़ा जाएगा। अच्छा जी, तो देखिए ये शख्स अंदर है जो बता रहे हैं कि किस तरह से सुपुर्द खाक की कार्रवाई में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। अभी उनका जो जनाजा है वो बिल्कुल उनकी कब्र के पास ही रखा गया है। पुलिस के अधिकारी जो है वो भी इस कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है और ये अंसारी परिवार का पुश्तैनी कब्रिस्तान है जिसकी तस्वीरें हम आपको सीधे बता दी। फोर्सेस फ्लैग मार्च की भीड़ के अंदर फ्लैग मार्च, पैरामिलिट्री फोर्सेस का फ्लैग मार्च, जरा तस्वीरें देखिए देखिए देखिए, सख्ती से आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, आचार संहिता लागू है। जो हु कर रहे हैं, जो हु कर रहे हैं उनको समझाइए, रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियोग्राफी हो रही है, एफआईआर दर्ज होगा, पुलिस सख्ती से निपट रही है। जरा ये तस्वीरें दिखाइए, पुलिस कह रही है पीछे हटिए, आचार संहिता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, पीछे हटिए, नारेबाजी नहीं, पीछे हटिए, नहीं तो एफआईआर दर्ज होगा। परिजन भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इस तरीके से हुड़दंगबाजी ना करें, इस तरीके से नारेबाजी ना करें, आचार संहिता लागू है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग हो रही है, चारों तरफ से रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियोग्राफी हो रही है, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से हर जगह से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो किसी भी वक्त यहां आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। तो भीड़ को समझाते हुए पुलिस सख्ती से, और दूसरी तरफ देखिए पैरामिलिट्री फोर्स की तस्वीर, भीड़ के बीच में अंदर घुसते हुए, पैरामिलिट्री फोर्स की तस्वीर, लोगों को वहां पर समझाते हुए पैरामिलिट्री फोर्स कि आप लोग शांत रहिए, अंदर की प्रोसेस, अंदर की प्रक्रिया हो जाने दीजिए, कोई रस्सी के इस तरफ ना आए, रस्सी के इस तरफ आते हैं जोर जबरदस्ती करते हैं, आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लोकल पुलिस करेगी कड़ी कार्रवाई। दूसरी तरफ यहां पर देखिए पैरामिलिट्री फोर्स हर जगह पर आउटर रेंज में वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है वो अपना जगह लेते हुए, लोकल पुलिस